कुछ ही समय में हमारे बीच में यहाँ पे पूर्व आईएएस अधिकारी रहे के अनुसार आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे और वो अपना विचार साझा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक ईमानदार आईएएस के छवि के रूप में उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया है और खेती बाड़ी के लिए, किसानों के लिए उन्होंने नए नए तकनीकी के बारे में, पानी बचाने के लिए और बहुत सारी ऐसी पदों को उन्होंने सुशोभित किया है जिससे हमारे पंजाब को, हमारे किसान भाइयों को फायदा हुआ है। वो आप लोगों से मिलने के लिए वहां से चंडीगढ़ से आ रहे हैं और 15-20 मिनट में आप लोगों के बीच में आएंगे और वो अपना विचार साझा करेंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित रहें और पन्नू सर के विचारों को जरूर सुने और उस पे अपना जो है आप लोग प्रतिक्रिया करें। जैसा भी उन्होंने बहुत सारी तकनीकी पे काम किया है, पानी बचाने के लिए काम किया है, एजुकेशन सिक्योरिटी है, उन्होंने पंजाब के लिए बहुत कुछ दिया है। तो आप लोगों से मुखातिब होने के लिए आ रहे हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग इतने बड़े महान व्यक्ति के सामने उपस्थित होकर के उनके विचारों को सुनने का मौका हम लोगों को मिल रहा है। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसका मकसद है कि हम लोगों को सीधी बिजाई के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बलवीर सिंह भैया जी, जिनके यहाँ हम लोगों ने एक ट्रायल लगाया हुआ है सीधी बिजाई में, तो सीधी बिजाई के बारे में चर्चा करें। पहले हम जानते हैं कि जो भी हमारे किसान भाई हैं, पंजाब के किसान हमारे बहुत ही प्रोग्रेसिव है, ये तकनीकी को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं। कोई भी तकनीकी आती है, अगर वो तकनीकी सफल होना है तो सबसे पहले पंजाब के किसान अगर उस तकनीकी को पास कर दिए तो तकनीकी पास है पूरे इंडिया के लिए, और अगर ये तकनीकी यहाँ से फेल हो गई तो फिर कहीं पास नहीं होती है। क्योंकि जो हमारे पंजाब के किसान है बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत सूझबूझ के साथ खेती करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि धान एक मुख्य फसल है जो पंजाब में लगभग 70 लाख एकड़ में धान की खेती की जाती है। 70 लाख एकड़ धान की खेती जो की जाती है, इसमें टोटल जो हम कद्दू करके धान लगाते हैं वही धान लगता है। मुश्किल से जो हमारे गवर्नमेंट का विभाग का जो डाटा कहता है 1 से 1.5 लाख एकड़ जो है हम सीधी बिजाई होती है पूरे पंजाब में। जो हम कद्दू करके सीधी बिजाई करते हैं उसमें हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि हमको नर्सरी तैयार करना पड़ता है। नर्सरी जब तैयार हो जाता है तो हमको समय से लेबर की उपलब्धता नहीं हो पाती है, लेबर के पीछे भागना पड़ता है। लेबर को अगर सही समय पर लेबर नहीं मिलती है तो आपकी नर्सरी जो है ओवर एज हो जाता है, उसकी अवस्था ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप लगाते हैं तो आपको उचित पैदावार नहीं मिलता है, आपके खर्चे ज्यादा होते हैं। ये सब समस्या है, लेकिन उस समस्या का समाधान सीधी बिजाई के माध्यम से हम लोगों ने देने का प्रयास किया है, क्योंकि कुछ समस्या सीधी बिजाई में भी किसानों को आई थी। तो हम बताना चाहेंगे कि जैसे आप कद्दू करते हैं तो कद्दू करने के लिए 1 किलो जो हम चावल पैदा करते हैं उसके लिए हमको लगभग 4000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप 1 एकड़ में 28 से 30 क्विंटल जीरी का पैदावार लेते हैं तो आपको 1 से 1.5 करोड़ लाख लीटर पानी जो है लगता है। आप 1.5 करोड़ लाख लीटर पानी का उपयोग करते हैं 1 एकड़ में जीरी पैदा करने के लिए। अब आप समझिए कि अगर आप 20 एकड़ जो है जीरी की खेती करते हैं तो आपका कितना पानी का खपत है। अगर आप सीधी बिजाई करते हैं तो 30 से 40% पानी की बचत होती है सीधी बिजाई में। लेकिन उसके साथ साथ जो आप कद्दू करते हैं उसमें और क्या समस्या आती है। पहली समस्या है कि आपको लेबर नहीं मिलता है समय पे। दूसरी समस्या है जब आप कद्दू करके लगाते हैं तो किचन में जो आपका ट्रैक्टर है, इक्विपमेंट्स है, वो भी आपका जो उसमें लिबर जाता है, वो भी आपका एक नुकसान होता है। कद्दू करने में हमारा जो डीजल है वो सबसे ज्यादा खर्च होता है। अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा डीजल की खपत जो है कद्दू करने में यही पे होता है। दूसरी जो हम कद्दू करते हैं, कद्दू करने के बाद जब पानी इकट्ठा करते हैं उसमें जुताई करते हैं तो जो है हार्ड पैन बन जाता है, लिंटर बन जाता है, जिससे हमारा
जो धरती का पानी है वो रिचार्ज नहीं होता है। पानी उसमें लगाते हैं तो उसमें घूमट बनता है, जिसकी वजह से बहुत प्रकार की नुकसानदायक गैसेस जो ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं वो उत्पन्न होता है, वो उसमें से उत्सर्जित होता है, निकलता है, जो हमारे वातावरण को प्रभावित करता है, जिसमें आप लोग जानते हैं मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये युक्त गैस है जो धान की खेत से निकलते हैं। ये लगभग 30-40% टोटल उत्सर्जन का जो है धान की खेत से उत्सर्जित हो रहा है मीथेन गैस, जिसकी वजह से हमारा वातावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रहा है। तो इसके समाधान के लिए जो हमारे किसान भाई हैं वो जीरी की खेती तो आवश्यक है, अब उसको हम बंद तो कर नहीं सकते हैं, उसके लिए हमको जो है सीधी बिजाई करने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं, जो भी हमारे किसान भाई यहाँ पे बैठे हैं, लोगों ने कुछ 2-4 साल पहले या कोविड के पीरियड में आप लोगों ने सीधी बिजाई किया होगा, लेकिन उसमें कुछ समस्या है जिसकी वजह से किसान भाई सीधी बिजाई नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों से पंजाब में लगभग 200-300 ट्रायल लगाए सीधी बिजाई पे, और किसानों से हम लोगों ने वार्तालाप किया, तो उसमें हमको जो समस्या थी वो समझ में आई। 3-4 मुख्य समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारे किसान भाई सीधी बिजाई नहीं करते हैं। जैसा कि पहला समस्या है सीधी बिजाई में, आप लोग जब सीधी बिजाई करते हैं तो जो चोने का बीज होता है ये थोड़ा सा खुंदरा होता है, रफ होता है, और आप लोग मशीन में जब डालते हैं कि उसमें फंसता है, फंसने की वजह से उसका प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं होता है, जिसकी वजह से जमाव अच्छा नहीं होता है। दूसरी समस्या आती है कि अगर बीज का जमाव हो भी गया तो 10 से 15 दिन के